गांव के ही पूर्व प्रधान और उसके तीन अन्य साथियों ने शराब पिलाने के बाद 20,000 रुपए लूटकर उसकी लाठी डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह हत्या कर दी और वहां से सभी आरोपी फरार हो गए। वहीं इस घटना को लेकर परिजनों ने थाना कोतवाली देहात में पूर्व प्रधान सहित तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद एटा की थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव गोपालपुर का है, जहां एक 75 वर्षीय वृद्ध अपनी खेती के 20,000 रुपए लेकर गांव देने जा रहा था। तभी पहले से रास्ते में ट्यूबवेल पर शराब पी रहे गांव के ही पूर्व ग्राम प्रधान और उसके तीन अन्य साथियों ने जबरन वृद्ध को रोक लिया और उसे जबरन शराब पिलाकर 20,000 रुपए लूट लिए। जब उसने विरोध किया तो उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई हत्या करने का परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं जब मृतक के भाई से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके भाई 75 वर्षीय हीरा लाल पुत्र डालचंद निवासी गोपालपुर राड़पट्टी से गांव के ही राघवेंद्र के यहां पट्टे की जमीन के पैसे देने के लिए जा रहे थे। तभी राड़पट्टी के पूर्व प्रधान सहित तीन नामदर्ज लोगों ने जबरदस्ती रोक कर उन्हें शराब पिला दी और उनसे 20,000 रुपए छीन लिए। उनका विरोध करने पर सभी आरोपियों ने उनकी लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अब जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। एटा से शिवम कश्यप की रिपोर्ट। आपके भाई की कैसे मौत हुई है? वो धकेंद्र ड्यूबवेल प्रधान के पाए हो रही थी, कुछ लोगों पहले पहले से पहले थे उनको भी हटा लिया, जबरन पिलाई थी और फिर जी ने हमारा तो आपके भाई पहले से पीते थे क्या? ना बहुत हो गया ऐसी मैं पीती नहीं पीते थे। किन लोग किन किन लोगों ने मारा है? वो सत्येंद्र प्रधान है और सीटू है, ताराचंद नाम है, वो सीटू बोलते हैं। आपने एफ आई आर की है?